You will have to remove top wrestlers from the front, then you will be able to reach that point, said Sonam Malik's coach Ajmer Malik. Sonam became the youngest ever Indian woman wrestler to qualify for the Olympics. But Sonam Malik's journey to Tokyo Olympics hasn't been easy. From recovering after a bout of paralysis to beating Rio Olympics bronze medalist Sakshi Malik four times to qualify for the Tokyo Olympics, she has had a very tough ride. In a special chat with NNIS Sports, her coach Ajmer Malik shares us her journey. जो हम एक सपने लेके चले हैं, जिस सपनों के साथ मैं एक आर्मी में ड्यूटी करते हुए मैंने एक सपने लिए थे, क्योंकि मैं खुद पहले 8 नेशनल खेला था और जो हमारे सपने अधूरे रह गए थे, उन अधूरे सपनों के साथ में मैंने सेंटर जो किया था, उस सेंटर में जो हमारे सपने जब पूरे होते हैं उसकी तरफ हम चल रहे हैं, तो इससे ज्यादा और खुशी क्या होगी सर। जो हम अपने काम कर रहे हैं, गुड़िया अपने काम कर रही है, अब उसका कोई मैटर का उम्र का मैटर तो कोई हम उसको मानते ही नहीं, हम तो बस यही मैटर मानते हैं भाई हम अपना काम कर रहे हैं, कहीं उस काम में चूक नहीं हो, और क्या बोलते हैं जो हमने एक सपने लिए हैं वो रिजल्ट हमें इंडिया को दे सका। सर जी वो घर पे भी हमने LED लगा रखी है, जो गांव के मोहल्ले वाले जो बंदे हैं सभी उसको LED के सामने देखेंगे, फिर हमने अकेडमी में भी एक LED लगा रखी है, तो यहाँ जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं मेरे पास जो या ट्रेनिंग करते हैं तो सभी उस LED के सामने होंगे सर उस टाइम पर देखने के लिए। हाँ सर उसमें सोनम भी लगा चुकी थी, इस बात को महसूस कर चुकी थी, परिवार वालों भी महसूस कर चुके थे, अगर भाई शायद ये गेम नहीं चल पाए, क्योंकि मैं इस बीमारी से मैं निकल चुका था, पहले झटका चुका था मेरे को, तो फिर मेरे को भी डॉक्टर ने यही ऐसा महसूस दिखा दिया था कि भाई ये भी एक गेम नहीं कर पाएगी, अगर ये लाइफ में अगर ठीक होती है तो अच्छी लाइफ जी पाए वो इसके लिए बहुत बेस्ट है, लेकिन फिर मैंने इनके घर वालों से भी बात करी, फिर इसके फादर भी थोड़ा पॉजिटिव है, तो ऐसे करके फिर हमारी बात हुई कि भाई देखो सबसे एक मेन पावर ऊपर वाला बैठा है, अब डॉक्टर अपना काम कर रहा है हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो ऊपर वाले की जब नजर होती है तो उसके आगे ये सारी चीजें पिकी हो जाती हैं, और तुम अपना बेटे काम कर और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम जितना सपना ले रही उससे भी अच्छा रिजल्ट आप निकालोगे। जो सोनम हम एक सपने लेके यहाँ बैठे हैं कि भाई गुरु की क्या ड्यूटी होती है, शिष्य की क्या ड्यूटी होती है, गुरु शिष्य की क्या सोच होती है, तो जब ये चीज लेकर हम जब चले तो इसके अंदर क्या थी सर, एक तो ये बहुत आज्ञाकारी है, दूसरा दिया हुआ वर्क से भी अच्छा ये वर्क करती है, अगर मैंने इससे डबल से भी अगर और ज्यादा हैवी बच्चे के साथ खिलाने की कोशिश किया तो इसके मुंह में ना नहीं है, अगर मान लिया मैंने इसको ये देखना चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ भाई मेरी बेटी कहाँ तक पहुंच चुकी है गुड़िया, तो उससे अगर हार जाती है तो इसको ये रहता है भाई सर ने बोला और मैं इससे हार गई तो मैं इसको कितना जल्दी कवर करूंगी, 2 महीने में 4 महीने में, तो उस बच्चे को ये कवर करती थी चाहे लड़का है चाहे लड़की हो। सर एक तो इसको लास्ट क्या बोलते हैं चाहे कुछ मेंट सेकेंड रही है तो भी इसको ये रहता है मैं इससे जीतूंगी चाहे उससे ये हार जाओ, लेकिन इसके इसके माइंड में ये रहती है मैं इससे जीतूंगी, और तकरीबन इसकी जो बाउट रहती है वो लास्ट टाइम की रहती है, लास्ट टाइम में जो ये मुराल है ये बिल्कुल अपरखती है उस बात का अगर भाई जीतूंगी, तो जैसे ही इसका साक्षी के साथ ट्रायल का जो सिस्टम आया अगर भाई ऐसे ऐसे ट्रायल, क्योंकि अब तक तो ये जूनियर नहीं खेली थी तो सीधी ये कैडेट खेल रही थी, कैडेट में फिर जूनियर में खेलना था, जब सीनियर में आना था फिर थोड़ा इसमें रगड़ा पुट्टी लगनी थी, जब ये सीनियर के लायक होनी थी तो इसका फर्स्ट में ही सीनियर रो भी जो एक इंडिया की गोल्ड लड़की है उसके साथ में जब इसकी बाउट आई तो जब मैंने गुड़िया का चेहरा देखा तो इससे बात हुई, तो जब इसकी मेरी बात हुई तो मैंने तो इसको यही बोला कि बेटे आपने साक्षी के साथ हार जीत तो करना ही नहीं है, आपने ये करना है कि भाई आपको क्या सिखाया गया है उसका आप उससे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो कि नहीं, केवल हम इस चीज को चेक करेंगे, हमने तो देखना ही नहीं इस साक्षी को आप कितने पॉइंटों से हरा रही हो या उससे कितने पॉइंटों से हार रही हो, वो तो हमारा कोई लेना देना है ही नहीं, हमने तो केवल ये देखना है भाई अब तक आपको जो सिखा के लाए हैं
और जो आपको मोटिवेशन करके ले आए हम, वो प्रदर्शन आप हमको ग्राउंड पे दिखाओगे या नहीं दिखाओगे, चाहे आप उससे 10 पॉइंट से हारो चाहे उससे 10 से जीतो। और रही बात ये, अगर डरेगी तो साक्षी डरेगी, भाई मैं ओलंपिक से मेडल ले आई हूँ, मैं इतनी स्टार हूँ, तेरे पास डरने के लिए क्या, बताओ क्या। अगर आप तुरंत जाके हार जाओ, ये हो जाओ, आपका क्या, कुछ नहीं। केवल हम ये देखेंगे तेरे अंदर क्या कमी पेशी है, उसके ऊपर हम काम कराएंगे। जब ऐसी लड़कियों को जब तक तुम आगे से नहीं हटाओगे, हराओगे नहीं, तो फिर अपने सपने पर कैसे जाओगे। इन बंदों को तो आपने अपने आगे से हटाना ही पड़ेगा, तब आप उस जगह पर जा पाओगे।